Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Times Drive. Have you seen the Renault Triber? अगर आपने नहीं देखी है तो आप अकेले नहीं, क्योंकि मैंने भी नहीं देखी थी, वहाँ मिस कर गया था इसका जो ग्लोबल अनवेल हुआ था. और अब मैं इसे देखने के लिए पहुँच गया हूँ चेन्नई के पास ECR बीच पर. थोड़ी समंदर की आवाज़ भी आपके सामने आएगी, लेकिन मेरी आवाज़ भी होगी, जिसमें मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की कि क्या कुछ इस नई बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट में आने वाली कार में देखने को मुझे मिल रहा है, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हो सकता है हिंदुस्तानी कस्टमर्स को पसंद आए, और क्या ओवरऑल पैकेज ये ऐसी नज़र आ रही है जो रेनो को एक बार फिर से अच्छा फुटहोल्ड दे हिंदुस्तानी कार मार्केट में. लेट्स सी. Let's talk about Renault Triber's engine first. और इसमें लगा है 1 लीटर का इंजन, ताकत लगभग 70 BHP की है, टॉर्क लगभग 96 Nm का है. बहुत बड़ा यूनिट नहीं है ये 1 लीटर का, और यहाँ आप समझ सकते हैं कि कंपनी की कोशिश क्या है. दरअसल एक इकोनॉमिकल पैकेज देने की कोशिश है एक किफ़ायती इंजन के साथ. तो फिलहाल आपको ये याद दिला दें कि हम यहाँ पर सिर्फ देखने आए हैं इसके ड्राइविंग बिहेवियर या फिर उस पैमाने पर इसका परफॉर्मेंस कैसा है. वी आर नॉट गोइंग टू इवैल्यूएट दैट राइट नाउ. वी जस्ट सी कि इसमें प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से क्या क्या फीचर हैं, और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो बिल्कुल इंटरेस्टिंग शेप की गाड़ी है वो कैसा परफॉर्म करती है. मैं जिस सेगमेंट इंटरेस्टिंग सेगमेंट की बात कर रहा हूँ वो सेगमेंट आप समझ सकते हैं क्रॉस हैच की तरह ये मुझे लग रही है, जहाँ पर थोड़ी सी स्पोर्टी इसे बनाने की कोशिश की गई है. चाहे इसके लुक में अगर हम सबसे पहले देखें, यहाँ तो एक जो बैज आपको एक बोल्ड सा क्रोम वाला बैज रेनो का देखने को मिलेगा, ही प्लस ग्रिल में भी क्रोम का एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पर बम्पर का जो निचला हिस्सा है उसमें भी सिल्वर फिनिश दिया गया है, एक तरह से एक फील देने की कोशिश की गई है SUV टाइप की. और हेडलैम्प का जो क्लस्टर है वो काफ़ी स्पोर्टी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है. उन सबको देख कर आप ओवरऑल एक बल्जी सा स्पोर्टी टाइप की फील आपको लगेगी. एक सामने से जो फील है वो कॉम्पैक्ट SUV टाइप की लगेगी, लेकिन जब आप किनारे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ MPV जैसी है. हालांकि कंपनी से एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट मानती है, जहां जो पिछला जो हिस्सा यानी थर्ड रो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. उसके बारे में हम आगे बताएंगे क्यों कंपनी उसके बारे में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन उससे पहले कार के अंदर चलते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं वो आपको बताते हैं. और अब मैं इस ड्राइवर में बैठा हूँ, बल्कि पहली बार बैठा हूँ. और ओके, ये बीपर साउंड आप शायद सुन रहे हो, की नॉट डिटेक्टेड, क्योंकि जो हमारे साथ आए हैं सज्जन उनके पॉकेट में है. बट एनीवे, दिस स्टैटिक कार राइट नाउ, वी डोंट हैव टू मूव. सो कार अब शांत हो गई. लेट्स टॉक अबाउट स्टीयरिंग व्हील. यहाँ पर आपको बेसिक्स एक कॉम्पैक्ट साइज का सॉलिड सा स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलेगा. ग्रे और डार्क ग्रे और लाइट ग्रे का यहाँ पर कॉम्बिनेशन मुझे देखने को मिल रहा है. तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्रीमियम मैं नहीं कहूँगा, स्मार्ट ज़रूर लग रहा है, साफ़ सुथरी बनावट है. लेकिन अगर जो मटेरियल का इस्तेमाल यहाँ डैश में मुझे देखने को मिल रहा है, इन पैनल्स में देखने को मिल रहा है, वहाँ आप देखकर समझ सकते हैं कि कंपनी इसे बहुत ही इकोनॉमिकल प्रोपोजिशन के तौर पर उतारने वाली है. यानी कीमत के मामले में आई होप काफ़ी अग्रेसिव तरीके से इसे प्राइस करे, बहुत ज़्यादा प्रीमियम वाला मामला नहीं लगेगा. यहाँ पर अगर सेंटर में आप देखें तो एक लगभग 1.25 इंच की स्क्रीन आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और इसे जब ऑन करेंगे तो यहाँ रेडियो, मीडिया, ड्राइविंग इको और फ़ोन सेटिंग्स, इन सब की जानकारी आपको मिलेगी. ड्राइविंग इको क्या है, लेट्स सी. ओके, एक्सेलरेशन, गियर शिफ्ट, एंटिसिपेशन, यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस कैसा है एज अ ड्राइवर वो आपको बताएगी. प्लस इको कोचिंग भी यहाँ देखने को मिल रहा है. ओके, यहाँ पर बता रहा है किस तरह के ऑयल का इस्तेमाल करें, एक्सेलरेट कैसे करें, गियर शिफ्ट कैसी होनी चाहिए, एंटिसिपेशन कैसी होनी चाहिए. तो यहाँ पर उसके लिए आपको स्टार्स मिलेंगे. एनीवे, वो बात की बात है. फिलहाल फ़ोन कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको इसमें मिलेगा. प्लस मीडिया की बात करें, यहाँ पर ऑक्सिन दिया गया है और USB पॉइंट, चार्जर पॉइंट यहाँ पर दिया गया है. गियर शिफ्ट स्मार्ट चंकी साहब को देखने को मिलेगा. सामान रखने की जगह आपको यहाँ भी मिलेगी, हालांकि एक छोटा सा स्टोरेज यहाँ पर आपको मिलेगा. इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें भी ये चिलिंग जोन है, यानी आप यहाँ पर अपने छोटे बॉटल्स या ड्रिंक्स इसे आप चिल करके रख सकते हैं यहाँ पर. हालांकि आर्मरेस्ट नहीं है, लेकिन ये जगह जो है वो आपको काफ़ी खुली खुली सी लगेगी. यहाँ पावर विंडोज़ के जो कंट्रोल है उसके अलावा
जो साइड रियर व्यू मिरर है उसका कंट्रोल भी आपको दिया गया है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शन आपको स्टीयरिंग व्हील पर नहीं मिलेंगे, बहुत सारे क्या कुछ भी यहाँ पर आपको इसमें फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो स्लॉट है उस हिसाब से लगता तो है कि शायद कोई वेरियंट होगा जहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स होंगे, बट दिस वन डजंट स्पोर्ट वन। और इस चिलर जोन के ठीक बगल में आपको ये नॉब मिलेगा जहाँ पर फैन की स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये है कंट्रोल पिछली सीट पर जो आपको वी पिलर में वेंट्स मिल रहे हैं एसी के, उसको कंट्रोल करने के लिए ये स्विच है, विच इज़ वेरी फंक्शनल। पीछे की सीट पर जो पैसेंजर है उनके लिए अप्रोच ज़्यादा आसान रहेगा, एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली इम्प्रेसिव। और वहीं स्क्रीन के ठीक नीचे आप देख सकते हैं एसी के कंट्रोल्स, अलग अलग मोड, आप वेंट के मोड्स देख सकते हैं, फैन की स्पीड देख सकते हैं, प्लस यहाँ एसी का कंट्रोल है। इसके ठीक नीचे स्टार्ट स्टॉप बटन आपको देखने को मिलेगा इस कार में। और अगर इस इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूँ, यहाँ जो डिस्प्ले है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ये स्क्रीन है वो डिजिटल स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी, बीच में एक और स्क्रीन है जहाँ रेंज, इसके अलावा डिस्टेंस टू एम्प्टी, कोई अगर दरवाज़ा खुला है उसका सिग्नल, प्लस स्पीडो, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। फ्यूल गेज, इंजन टेम्परेचर और टैको का इन्फॉर्मेशन आपको अलग से मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रीमियम ये देखने को नहीं मिलता है। इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्वर्की सा लग रहा है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ये आपको पुराना लगने लगेगा, ऐसा मुझे लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग। सो उस हिसाब से मैं कहूँ कि एक बेसिक लेकिन बहुत ही फंक्शनल फीचर से लैस इसका ये फर्स्ट रो मुझे देखने को मिल रहा है। अब सेकेंड रो में कहानी कैसी है, लेट्स सी। और रेनो ट्राइबर के सेकंड रो में बैठा हूँ, और सबसे पहले तो वही फीचर बता दूँ जो आगे की सीट पर बैठे हुए मैं बात कर रहा था। यहाँ पर जो फैन स्पीड थी वो दरअसल उसके वेंट्स आपको यहाँ पर बी पिलर में मिलेंगे और वो आप कंट्रोल कर सकते हैं पिछली सीट पर बैठे हुए। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंक्शनल फीचर एज फार एज इंडियन कस्टमर्स, इंडियन माहौल इज कंसर्न, और यहाँ पर इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। सीट्स यहाँ से आप देखेंगे तो आपको काफ़ी पतली सी बेयर मिनिमम लग रही है, जो कि कंफर्टेबल तो मुझे लग रही थी, लेकिन एनीवे पिछली सीट की अब बात करते हैं। यहाँ पर कुशनिंग मुझे अच्छी लग रही है, थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक सा है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप इस सीट को भी आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं, प्लस जो बैकरेस्ट है उसके एंगल को भी आप आगे पीछे रिक्लाइन कर सकते हैं, और ये तीन लोगों के लिए जो है वो ठीक ठाक जगह है, एडजस्ट करना पड़ेगा, दो लोगों के लिए अच्छी जगह मिल रही है। बहुत ही बेसिक सी सीटिंग मुझे लग रही है, बहुत ज़्यादा आपको प्लश या बहुत ज़्यादा कुशनिंग नहीं लगेगा, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सेकेंड रो में जो जो फीचर्स होने चाहिए, एक पावर पॉइंट भी आपको 12 वोल्ट का मिल रहा है यहाँ पर, तो जो जो फीचर्स आपको मिलने चाहिए वो लगभग मिल रहे हैं। इंटरेस्टिंग और कुछ अलग क्या है, तो अलग एक आपको इसका फीचर मिलेगा जहाँ पर ये सीट बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, और इस सीट को जब आगे आप मूव करते हैं तो फिर आप तीसरी कतार में जाने के लिए आपका रास्ता जो है वो खुल जाता है। तीसरी कतार जो है वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसके लिए मैं इसके हैच को खोलकर फिर आपको दिखाता हूँ कि क्यों मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है ट्राइबर की तीसरी कतार। वैसे एक छोटा सा क्विज है, ये ना तो फ्लोर मैट है और ना ही कार कवर है, फिर भी एक कुछ चीज़ है जो यहाँ पर रेनो ने दी है जिसमें लिखा हुआ इजी फिक्स, क्या हो सकता है सोचिए। अगर आपको पता है तो फिर कमेंट सेक्शन में जवाब भी दीजिए, इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना जब थर्ड रो है ही इसमें, तो फिर उसमें बैठकर देखें कि जगह आखिर कितनी है, और मेरे साइज़ का इंसान लग तो नहीं रहा कि फिट हो पाएगा, बच्चों के लिए कैसी है या ओवरऑल स्पेशियस कितनी है, लेट्स सी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, इस पर बैठने से पहले ही मुझे पता है कि जगह कितनी होने वाली है, और वो ज़्यादा नहीं होगी। अगर इस अगली सीट को एडजस्ट भी कर लिया जाए तो भी लंबे लोगों के लिए तो यहाँ पर फुट मूवमेंट के लिए जगह नहीं होगी, नहीं रूम भी आपको बहुत कम मिलेगा, और उस हिसाब से बहुत मजबूरी का जब वक्त हो या फिर बिल्कुल छोटे बच्चे हों और आप लंबे ट्रिप पर फैमिली के साथ जाना चाह रहे हो तब ये सीट आपके काम की आएगी, नहीं तो एवरेज इंडियन हाइट से अगर कम हाइट के लोग बहुत ही छोटे डिस्टेंस के लिए जाना चाहते हैं देन यू कैन यूज़ इट, अदरवाइज आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा ये आपको कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और यहाँ हेडरूम तो मेरे लिए तो कम लग ही रहा है। आई थिंक जो
एवरेज इंडियन हाइट होंगे उसके लिए भी हेडरूम बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ चलिए एक छोटा सा यहाँ पर विंडो आपको देखने को मिल रहा है जो ऑब्वियसली खुलेगा नहीं, लेकिन आप बाहर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैठकर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं मिलेगा, बाहर का नज़ारा आप ले सकते हैं। एक पावर पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हाँ ये तो अच्छी चीज़ है, यहाँ पर एक एसी वेंट आपको तीसरी कतार के लिए मिल रहा है। और अब तक अगर आपने हमारे सवाल का जवाब दे दिया है, ढूंढ लिया, फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो अब ये वाला हिस्सा आप ही के लिए, यानी वो जो पैकेट था वो दरअसल किसके लिए था वो आपको अब बताते हैं। तो अब इस आज को खोलकर मैं उस कहानी को फाइनली खत्म करता हूँ, क्योंकि अगर इसका अनवेलिंग आपने देखा होगा तो फिर तो आपको पता होगा, फिर मैं बहुत ज़्यादा मुझे बोला नहीं चाहिए। इसे आमतौर पर हम क्या करते हैं, इस तरह का लीवर जब होता है तो हम इस बैकरेस्ट को नीचे करते हैं और ये जो जगह बनती है वो जगह होती है, लेकिन न सिर्फ बैकरेस्ट बल्कि जो नीचे की सीट है उसे भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ से लैच खोला आपने, ये सीट इधर निकला, आगे से बस ये माउंटेड होती है सीट और ये भी आपने निकाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि जगह आपके पास अब कितनी ज़्यादा हो गई है, प्लस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेटअप पूरा लग रहा है, जहाँ पर अगर आपके पास आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ तीसरी कतार लगाइए, और नहीं ज़रूरत है तो फिर फाइव सीटर का इस्तेमाल कीजिए। एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे कि इज इट फंक्शनल, इज इट जस्ट गिमिकी और फंक्शनल फीचर्स, आई थिंक दिस इज़ फंक्शनल फीचर, बिकॉज कई बार आमतौर पर बहुत सारी गाड़ियाँ हम ऐसे ले लेते हैं जिनके बारे में सोचते हैं कि हाँ हमें जगह की ज़रूरत होगी, साल में जब भी हम ट्रिप पे जाएंगे तो बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन कई बार वो बूट स्पेस, लगेज स्पेस का इस्तेमाल कभी नहीं होता है। बट इन दिस सिनेरियो व्हाट यू कैन सी इज़ द कार गिव्स यू दिस ऑप्शन कि अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप स्पेस रख सकते हैं, अगर हाँ अगर बहुत ही ज़रूरत आपको पड़े तो दो सीटें लगाइए और निकल जाइए। आई लाइक दिस फीचर। सो आई गेस दिस इज द स्टोरी ऑफ ट्राइबर, दीज आर द फीचर्स विच आई सॉ, आई लाइक्ड एंड आई थॉट आई वुड शेयर विद यू। और इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, इंतजार अब सिर्फ इसके ड्राइव का है, प्लस इसके प्राइस का है। बाय बाय।